हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे एसिड एनहाइड्राइड्स के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन के बारे में इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स एंड सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखिए जब हम एसिड क्लोराइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट के साथ हीट करते हैं तो उससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के एसिड एंड ऑप्टेन होते हैं जैसे अगर हम एसिटाइल क्लोराइड को सोडियम एसिटेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड ऑप्टेन होता है अगर हम बेंजोइल क्लोराइड के रिएक्शन सोडियम बेंजोइट के साथ करवाते हैं तो बेंजोइक एनहाइड्राइड ऑप्टेन होता है फिर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड फ्रॉम किटीन देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करें तो ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट होता है तो इसको ऑप्टेन करने के लिए कीटीन की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करवाई जाती है अब इस रिएक्शन में जो कीटीन यूज किया जाता है उसको ऑप्टेन करने के लिए एसिटॉन को इस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है अब कीटीन से जो एसिटिक एनहाइड्राइड ऑप्टेन होता है उस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी तो देखिए सबसे पहले जब एसिटिक एसिड और किटीन की रिएक्शन होती है तो यहाँ से ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बहन बना लेगा फिर नेक्स्ट स्टेप में जो इनॉल फॉर्म है वो कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट होके एसिटिक एनहाइड्रेट बनाती हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की परजेंस में करते हैं तो करस्पोंडिंग एनहाइड्राइड्स ऑप्टेन होते हैं देखिए ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड जब इसको P2O5 के साथ हीट करते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड ऑप्टेन होता है अगर हम एसिटिक एसिड का यूज करते हैं तो उससे एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा और अगर हम बेंजोइक एसिड का डिहाइड्रेशन करते हैं तो बेंजोइक एनहाइड्राइड ऑप्टैन होगा अब देखिए अगर हम करस्पॉन्डिंग डाई कार्बोक्सलिक एसिड को हीट करते हैं तो उसका डायरेक्ट डिहाइड्रेशन होगा और साइक्लिक एनहाइड्रेट्स ऑप्टेन होंगे जैसे सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रेशन फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की परजेंस में इस टेम्परेचर पर करते हैं तो सक्सिनिक एन हाइड्रेट ऑप्टेन होता है अगर मैलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करते हैं तो मैलिक एनहाइड्रेट ऑप्टैन होता है इसी तरह से अगर हम थैलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करते हैं तो थैलिक एनहाइड्राइड ऑप्टैन होता है अब देखिए हायर फैटी एसिड्स के एनहाइड्राइड्स बनाने के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सोडियम सॉल्ट को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हीट करते हैं और फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं जिससे जो वॉलेटाइल एसिटिक एसिड या उसके सॉल्ट होते हैं उनका पहले डिस्टिलेशन हो जाता है देखिए ये हो गया हायर फैटी एसिड जब इसको एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ हीट करते हैं तो इसका एनहाइड्रेट बनेगा और साथ में एसिटिक एसिड ऑप्टेन होगा अगर हम हायर फैटी एसिड के सोडियम सॉल्ट को एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ हीट करते हैं तो भी हायर फैटी एसिड्स के एनहाइड्रेट ऑप्टैन होंगे और साथ में सोडियम एसिडेट ऑप्टेन होगा